नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकारी रिजल्ट का एक यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फेज़ टू ऑनलाइन फॉर्म 2018 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित, चाहे वो नौकरी का हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो, स्कूल का हो, कॉलेजेस का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, हम सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे, जिससे आप पढ़ के देख के बार बार लाभान्वित होते रहेंगे। आपके काफ़ी मददगार होगा आपके करियर को आगे बढ़ाने में ये सब सारी चीज़ें, ये सब वीडियोस, इसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। और ज़रूर ही मैं समझता हूँ कि एक आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनाने में ये सारी चीज़ें आपके कारगर साबित होंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में होने जा रही है नवंबर महीने में, और उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने इसे निकाला है। मेल एंड फीमेल कांस्टेबल दोनों के लिए है ये प्रेस रिलीज तो 19 अक्टूबर को हुई है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन शुरू होने जा रहा है वो हो रहा है 1 नवंबर 2018 को। इसकी अंतिम तिथि जो है वो है 30 नवंबर 2018 तक आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। लास्ट डेट टू कम्प्लीट द फॉर्म इज़ 30th of November 2018। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, ये 4 से 5 जनवरी के बीच में होने वाला है। 4 से 5 जनवरी इसका एग्ज़ाम डेट है, अल्टीमेटली 4 से 5 जनवरी। ऑलराइट, एडमिट कार्ड अवेलेबल आपका दिसंबर महीने में हो जाएगा। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 400 रुपये सबके लिए, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबके लिए 400 रुपये है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, 51,216। देखिए इतनी सारी वैकेंसी, आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है, इतनी वैकेंसी जनरली आती नहीं है, बट 51,216 आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छा मौका है आपके हाथ से। मैं गुजारिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोग इसे अप्लाई करें, और किसी तरह का मटेरियल की ज़रूरत होगी पढ़ाई में तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। वैसे मैं जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब के ऊपर काम कर रहा हूँ, और आप वीडियोस देख भी सकते हैं उन सब के चीज़ों के। और जो एज लिमिट है आप देख सकते हैं, मेल के लिए है 18 से 22 साल और फीमेल के लिए है 18 से 25 साल। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इसमें ज़रूरत है वो आपस 10+2 होने चाहिए, इंटरमीडिएट होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया से। और कांस्टेबल सिविल पुलिस में 32,000 वैकेंसी है, और कांस्टेबल पुलिस इन रिजर्व टेरिटोरियल आर्म्ड इज 19,216। दोनों मिला के टोटल होते हैं 51,216, तो बहुत ही अच्छा है, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है इसके अंतर्गत। फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लीजिए, हाइट जो है आपकी मेल हैं अगर आप, जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मेल हैं, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, तो 160 में काम चल जाएगा, 168 एंड 160 रेस्पेक्टिवली। चेस्ट जो है वो होना चाहिए आपका 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और इनका जो है ये 77 से 82 एसटी के लिए। रनिंग जो है 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, तो रनिंग थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अभी से कम आधा घंटा से एक घंटा आप अपने फिजिकल पर देंगे, तो ज़रूर ही आपका अगले 4 महीने 5 महीने में 100% आप इस टारगेट को अचीव कर लेंगे ईजिली। फीमेल की बात करता हूँ तो उनकी हाइट मिनिमम जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए ओबीसी, जनरल एससी के लिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और रनिंग जो है इनकी होगी 2.4 किलोमीटर एंड उनको पूरा करना होगा सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट में। तो इतनी अच्छी वैकेंसी है, इसका मैं कंप्लीट सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ एग्जामिनेशन में क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन है इसका पुलिस कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा तो वही है, बाकी आप फिजिकल के लिए प्रैक्टिस तो अभी से शुरू कर दीजिए, साथ साथ ही तो काम होता चला जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में। जी हाँ, तो सिलेबस देख लीजिए आप, परीक्षा एक ही होगी, एक ही पेपर होगा उसके अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले सामान्य ज्ञान में देख सकते हैं, तो सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश को शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानना होगा, चूँकि आप उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, राज्य के बारे में, जिलों के बारे में, राजस्व के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स, दैट इज मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु
एवं सेवा कर। पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी और मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो इतने तो हो गए आपके सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के। जनरल हिंदी में आते हैं हम, जो कि ये भी काफ़ी मार्क्स फेचिंग है। इनफैक्ट ये ज़्यादा ग्रामर पोर्शन ही है, और अगर अच्छे से पढ़ लेंगे आप कोई भी बुक उठा के ग्रामर का, तो आपका इसमें से बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लिखने की तो बातें हैं नहीं, तो वहाँ पे सिर्फ टिक करना होगा, गोला लगाना होगा, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपका। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। नौ, आगे है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सब, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, अव्यय। इसके बाद है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित गद्यांश, और ये है प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ। हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। इतना हो गया सामान्य हिंदी का। तीसरा पोर्शन है जो है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की मैं बात करता हूँ, तो इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात एंड अनुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, डिस्काउंट, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड द ग्राफ्स, सारणी एवं ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसके बाद अर्थमेटिक, कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फैक्शंस और मिसलेनियस। तो इतना हो गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत। अब लास्ट पोर्शन जो बचता है आपका, ये आता है मेंटल एबिलिटी का, जो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और इसमें स्पीड आपको रखनी होगी प्रैक्टिस करने के ज़रिए। आप साथ साथ क्या करेंगे कि प्रैक्टिस अगर रेगुलरली करेंगे तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसके अंतर्गत मैं टॉपिक को बता देता हूँ, एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग निम्नलिखित, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एवं ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टिबिलिटी, अनुकूल की क्षमता, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक लेवल, व्यावसायिक सूचना, पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड द लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, एंड जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता, बुद्धिबल में, इंटेलिजेंस में दिखाता हूँ आपको, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षा, स्पॉटिंग आउट डिससिमिलर, असमान को चिन्हित करना, असमान पहचानना। नाउ आगे है सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा का ज्ञान परीक्षा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, देन प्रॉब्लम समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट, पाई टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी और अरेंजिंग इन ऑर्डर। अब आते हैं रीजनिंग के ग पार्ट पे, एनालॉजिस, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान भरना। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, संबंध, कॉन्सेप्ट्स, अवधारणा, अर्थमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगल क्लासिफिकेशन, इति शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड द सिंबल एंड द रिलेशनशिप। तो इतने सारे हो गए आपके, ये कंप्लीट सिलेबस रहा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होगा, लेकिन इतनी वैकेंसी है तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सीट सियोर हो जाएगा। बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, जो भी किसी तरह का अगर दिक्कत आती है आपको प्रिपरेशन में, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट के जरिए बता सकते हैं, इवन कॉल भी कर सकते हैं आप 7376098712 पे कभी भी, और हम आपको वीडियो के जरिए मदद जरूर ही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल रिटन एग्जाम। ऑलराइट, तो बाकी सब तो अच्छी बातें हैं, और
आप अच्छे से तैयारी कीजिए बिल्कुल, और किसी तरह की मदद चाहिए तो हम जरूर तैयार हैं 24/7 आपके करने के लिए। तो बस धन्यवाद, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित हम हर दिन ही कुछ न कुछ ज्ञान की बातें अपलोड जरूर करते हैं। तो देखते रहिए महामना एजुकेशन हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।